फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघास गुड लाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज आप सबको मैं क्या सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको मैं फर्स्ट अपना रिंग दिखाती हूँ। तो देखिए ये रिंग, और इसको मैं डाल के भी दिखाती हूँ। तो कैसे लग रहा है बताइएगा। और इसको मैं दिल्ली से लेकर आई थी और दो पीस लेके आई थी, लेकिन एक पीस मेरी फ्रेंड लेके गई है, उसको दे दी मैं। और ये वाला पीस है और एक और रिंग है मेरे पास, देखिए ये वाली। तो ये भी सब आर्टिफिशियल ही ज्वेलरी दिखा रही हूँ। अगर आप सब कमेंट करेंगे तो आप सबको मैं रियल ज्वेलरी दिखाऊंगी गोल्ड कलेक्शन का। तो देखिए, और ये तो चांदी का रिंग है और ये है आर्टिफिशियल रिंग है। तो कौन सा रिंग आप सबको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में बताइएगा। और चलिए फिर आप सबको मैं अपना नेक पीस दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना चोकर सेट दिखाती हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स चोकर सेट, देखिए। और इसके साथ में इयररिंग भी है, ये रहा इयररिंग। और इसके साथ में मांग टीका भी है। तो बताइएगा कैसे लगी आप सबको। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ सेकंड पीस, जो कि ये रही। और इसके साथ में इयररिंग है ये। तो कौन सा सेट आप सबको अच्छा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, कौन सा सेट आप लोग को अच्छी लगी है। और ये देखिए क्यूट सा मेरा एक और नेक पीस नेकलेस। तो ये बहुत पुराना नेकलेस है मेरा, जब मैं स्कूल टाइम पे थी और मेरा एक फंक्शन हुआ था तो मैं फिर डांस की थी स्कूल में, तो फिर ये वाला मैं खरीदी थी। देखिए कितना क्यूट और प्यारा लुक आता है इससे। इसका भी इयररिंग है और मांग टीका है। तो इसका इयररिंग तो अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मांग टीका जरूर से दिखाऊंगी। देखिए ये रहा। तो इसका इयररिंग भी है और इसको ना मैं अपने शादी में लगाई थी, तो अभी भी इसमें सिंदूर लगा हुआ है। तो ये बहुत मेरे लिए कीमती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला और यादगार है मेरे लिए। तो ये हुआ चोकर सेट। और एक और है ये छोटा सा क्यूट सा, बहुत हल्का हल्का सेट है फ्रेंड्स, उतना भारी तो नहीं है क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ। अगर साड़ी लहंगा ये सब डालती हूँ तभी पहनती हूँ। तो ये छोटा सा नेक पीस है, इसका बजट भी बहुत ज़्यादा कम है और पहनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो ये तो हुआ मेरा नेक सेट, जो कि शॉर्ट सेट है नेकलेस। अब मैं आप लोग को लॉन्ग में दिखाती हूँ। तो ये देखिए वाइट पर्ल में ये बांसुरी और मयूर पंख है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ में है, इसके साथ में भी इयर रिंग है, जो कि मिल नहीं रहा है, दिखाऊंगी लेकिन आप सभी को, ठीक है। तो इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैं दो दो लब पहन ली हूँ। तो कैसे लग रहा है बताइएगा। और दूसरा मेरा ये रहा, तो दूसरा ये लॉन्ग पीस है, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे कि इस टाइप की साड़ियों में बहुत अच्छा ये लगता है, साड़ी चाहे लहंगा पहनोगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और भी मेरे पास लॉन्ग पीस है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
मेरा एक और लॉन्ग पीस, तो इसमें मयूर बना है और ये इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं डाल के दिखाती हूँ आप सभी को, ये देखिए। और इसके साथ भी एक इयर रिंग है मैचिंग का, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। और ये बहुत अच्छा लगता है, देखिए इसको, ये थोड़ा शॉर्ट है बाकी बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसे मेरे पास तीन पीसेस, तो सबका पेंडेंट अलग अलग है और पर्ल्स सेम है, और ये ग्रीन कलर का है। और इसका पेंडेंट देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें ना राजस्थानी जैसा लुक आता है, मेरे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही इसी में रखी हूँ, उतना भारी सेट नहीं है मेरे पास, ये देखिए। और इसके साथ भी है ये इयर रिंग, तो ऐसे ही इयर रिंग उन सब का भी है, लेकिन अभी जो है तो नहीं मिल रहा है, बाकी मैं उतना यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो कौन सा वाला लॉन्ग पीस आप सबको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में बताइएगा। और है, और तो ये वाला मंगलसूत्र है जो आर लेटर का है, मेरे हस्बैंड का फर्स्ट लेटर नेम का, तो इसको मैं हमेशा डाली रहती हूँ। वैसे तो गोल्ड का भी है, लेकिन मैं उतना नहीं पहनती हूँ, इसी को अगर कुछ कहीं जाना रहता है तो डाल लेती हूँ। और एक और मंगलसूत्र पेंडेंट है मेरे पास, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन ये मेरे फर्स्ट, मतलब शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे में गिफ्ट मिला था, तो ये है, तो ये भी अच्छा लगता है। और एक और सेट है मेरा, तो देखिए ये वाला पेंडेंट है जिसमें भी मयूर पंख और ये है, और सिर्फ चैन ही है इसमें, आप सबको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो सिर्फ चैन है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और आप सबको कुछ स्पेशल सब चीज़ दिखाती हूँ, मांग टीका। तो एक तो आप सब ने देख लिया है वो सेट कम जो मैचिंग था ये, और ये रहा दूसरा मांग टीका, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, आप सबको पहन के दिखाती हूँ। तो कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है बताइएगा। और सेकेंड मेरा ज्वेलरी है ये नथ, तो ये नथ पहनना मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ चीज़, कुछ ओकेशन कुछ होता है तब मैं इसको डालती हूँ, या फिर मेरे को वीडियो बनाने रहता है तो ये अब आप सबको मैं डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो कैसे लग रहा है बताइएगा। अब आप सबको मैं दिखाती हूँ अपना कमरबंद, तो ये रहा मेरा कमरबंद, जो कि मेरे शादी से पहले का कमरबंद है, और बहुत प्यारा लगता है ये वाला। वैसे तो मैं, मेरे पास चांदी का भी है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अगर वीडियो बनाना रहता है तो इसी को पहनती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इतना ही था मेरा नेक पीस और कुछ, और इयर रिंग में तो बहुत सारा है मेरे पास, तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए ना मैं अलग से वीडियो में बना दूँगी झुमका का पूरा मेरा। तो एक दिखा देती हूँ आप सभी को, ये वाली, तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है पहनने के पास, मेरे साड़ी का मैचिंग है, तो बहुत सुंदर लगता है मेरे साड़ी में, आप सबको वीडियो में दिखाऊंगी कोई दिन। और बहुत सारा है फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।